गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पैसा नहीं होने पर गरीबों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते निजी अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए गए। दोस्तों, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या इलाज करा सकते हैं या नहीं करा सकते, इस वीडियो से आप देख सकते हैं और मेरा जो चैनल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पैसा नहीं होने पर गरीब का इलाज करने से मना नहीं कर सकते निजी अस्पताल, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दोस्तों, ये दिल्ली सरकार जो नई दिल्ली में उसके कहने पर पैसा नहीं होने पर गरीबों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते निजी अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है उसका आप इलाज करने से नहीं रोक सकते और उनको इलाज आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हाल ही कुछ ही दिनों पहले। दोस्तों, नई दिल्ली, कोई गरीब और उसे इलाज की तुरंत ज़रूरत है तो प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश है जो कोर्ट ने कुछ समय पहले सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिल्ली के अस्पतालों को लेकर सुनाया था। किसी ने याचिका लगाई थी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसका इलाज तुरंत ज़रूरत है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर सकते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो कोर्ट में कुछ समय पहले ही सुनाया था कि अगर किसी भी गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करने से मना नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे गरीबों का इलाज हो सके और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हो सके। दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक सुनिए, आपके क्या क्या मैंने इसमें बताया है वो सब आपको इसमें वीडियो से पता लग जाएगा। दोस्तों, इसलिए दोस्तों कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जितने भी निजी अस्पताल सरकार की ज़मीन पर बने हैं उन्हें गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करना होगा। ये आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली के मूलचंद सेठ स्टीफंस रॉकलैंड और सीताराम बत्रिया अस्पताल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को 10% बेड गरीबों के लिए मुफ्त मुहैया कराने होंगे और दूसरी तरफ ओपीडी में कुल मरीजों के 25% गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए होगा। इतना ही नहीं, अगर इन निजी अस्पतालों गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं किया है तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। अगर प्राइवेट अस्पताल को गरीबों का इलाज नहीं करने से मना कर दिया है तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हवाला देते हुए कहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा है कि जिन अस्पतालों ने सरकार से सब्सिडी पर ज़मीन ली है उन्हें भी गरीबों का मुफ्त इलाज की सुविधा देनी होगी और जो अस्पताल इस आदेश को नहीं मानेगा वो अदालत की अवमानना के जिम्मेदार होंगे और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का असर मूलचंद स्टेट रॉकलैंड और सीताराम बदरिया जैसे अस्पतालों पर पड़ेगा जिन्होंने रियायत दर पर सरकार से ज़मीन ली। और आपको बता दें कि अस्पताल में ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों को झटका दिया क्योंकि अगर किसी भी अस्पताल वालों ने सरकार की ज़मीन और रियायत दर पर ज़मीन ली है तो उनको गरीब व्यक्तियों का इलाज करना ही पड़ेगा और 10% कोटा उनके खिलाफ उनके हिसाब से रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित एक मसौदा परामर्श में भी कहा गया है कि कहा था कि निजी अस्पताल ऐसे मरीजों के शव उनके परिवार वालों को सौंपने से मना नहीं कर सकते जिनकी मृत्यु उपचार के दौरान अस्पताल में हुई हो और उनके परिजन को अंत्येष्टि से पहले बिल का भुगतान करने में असमर्थ हो। लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने साफ किया है कि इस प्रस्ताव का तात्पर्य यह नहीं है कि बिल माफ हो गया। अस्पताल उन परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है जो बाद में बिल का भुगतान नहीं करेंगे। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब पैसे नहीं है या इलाज कराते कराते अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो शव या 12 दिन या शव को जलाने के बाद भी वह वसूल सकते हैं, ये भी कहा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा गया है कि आप अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनको इलाज करने से आप मना नहीं कर सकते, ये भी स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है। इसलिए दोस्तों दिल्ली सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव मसौदा परामर्श भी कहा गया है कि निजी अस्पताल अगर दौरान मृत्यु हो जाती है इलाज तो उनको मना नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और कमेंट्स बॉक्स में आप